got lost there. Now let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टू द पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी की तमाम अपडेट से ऑन टाइम वाकिफ रह सकें। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, उम्मीद करता हूँ उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को फायदा होगा कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी सी बात आज करूंगा डॉज कॉइन की। हमारे एक पाकिस्तान के जो है वो क्या कहेंगे, सेलिब्रिटी कह लेते चले, तो उन्होंने जो है वो डॉज कॉइन पे आज कोई लाइव किया था, अपना लाइव सेशन। और बहुत, मैं आप लोगों को, आपको अगर याद हो मैंने हर वीडियो में तकरीबन कहा कि भाई डॉज पंप एंड डंप है, खाली डॉज में नहीं घुसना। मेरे काफी क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा, काफी लोगों ने पूछा भाई डॉज ले लें, हमने लिया, तकरीबन हर बंदे ने डॉज थोड़ा थोड़ा लेके रखा हुआ था। एनीवे, लेकिन देखिए क्रिप्टो का एक रूल है और उस रूल को अपने साथ बांध लीजिए। अगर फंडामेंटली कोई कॉइन स्ट्रांग है और उसको आप देखते हैं कि हाँ यार ये फंड, इसके पीछे न्यूज है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, प्रोजेक्ट है, तो चले उसको तो आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन डॉज जैसा, डॉगी जैसा शिट कॉइन के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज थी कि इवेंट होने जा रहा है और वो एलॉन मस्क उसको जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वहां पे, और उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी एलॉन मस्क, सॉरी वो एलॉन मस्क नहीं, एलॉन मस्क नहीं है, वो एलॉन सक्स है। तो पाकिस्तानी एलॉन सक्स ने जो है वो उस पर बाकायदा लाइव ट्रांसमिशन की। अब मुझे पता था सुबह जो है आज जो है बड़े हालात खराब होने वाले, और वही हुआ। डॉज जो है वो तकरीबन अगर हम देखें 48 सेंट पे आ गया। लोगों को उन साहब ने भी बाय करवाया, करो करो बाय करो बाय करो, टपा टप बाय करो, टपा टप पैसा बनेगा। और बहुत सारे बरसाती मेंढक, हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो फेसबुक पे पोस्ट लगा रहा था, ट्विटर पे पोस्ट लगा रहा था, भाई एक रात में मिलियनेयर बन जाओगे और डॉज 100% $1-$2 जाने वाला है उसी रात, और बेचारे लोगों ने जो है वो बाय कर लिया इस चक्कर में, इवेंट के चक्कर में। भाई देखें, क्रिप्टो का एक उसूल है कि अगर किसी शिट कॉइन में है और उसका इवेंट एक्सपेक्टेड है, कहते हैं हमेशा के जब अनाउंसमेंट हो उसकी उस वक्त बाय करो, और जब न्यूज आने वाली हो, यानी कि वो हैपनिंग होने वाली हो उस चीज की जो उन्होंने अनाउंस किया है। लेट सपोज एक हफ्ते पहले जब SNL इवेंट अनाउंस हुआ था, दो हफ्ते पहले, कि एलॉन मस्क 8 मई को इवेंट करेगा, डॉज फादर और के तौर पे रिप्रेजेंट करेगा डॉजी को, तो उस वक्त डॉज बाय करना लोगों ने किया और उसके बाद उसकी वजह से वो पंप हुआ। और इस न्यूज को, इस इवेंट को होने से पहले सेल करना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हमेशा कहते हैं सेल द न्यूज, इसीलिए कहते हैं कि जब वो चीज हो जाएगी और लोगों की एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरे या ना उतरे, लोगों ने उस डर से डंप करना है उस चीज को, और वही हुआ आज सुबह से जो डंप होना शुरू हुआ है। और अभी तकरीबन 30% डाउन है डॉज, और हमारे जो वो एलॉन सक्स हैं, पाकिस्तानी एलॉन सक्स, उन्होंने जो है वो अपनी जो है वो कवर करना शुरू कर दिया, और कवर इस तरह किया कि देखो भाई कार्डानो भी मैंने बताया था 19 अप्रैल को, और मैंने कहा था जो लोग खरीदेंगे 19 अप्रैल को, मैंने कहा था जितना कार्डानो बाय कर सकते हो कर लो, ये तुम्हें मिलियनेयर बना देगा। उन्होंने क्यों कहा आज कार्डानो का, चलो कार्डानो भी देखते हैं, कार्डानो को क्यों कहा, कार्डानो के पीछे क्या रीजन है। इन्होंने 19 अप्रैल को कहा था, 19 अप्रैल को कार्डानो क्या था रेट और आज क्या रेट है, और कार्डानो को क्यों कह रहे हैं अभी। उसका रीजन ये है कि भाई वो अपना बैंड कवर कर रहे हैं जो उन्होंने आज मारा है, क्या कहते हैं, जो भंड मारा है आज डॉज वाला, उसको कवर करने के लिए कि भाई देख लो मैंने तो ये भी तुम्हें टिप दी थी। अब भाई मैं कौन से लोग मिलेनियर बन गए, बोले तो डॉज जितना बाय करना कर लो मिलेनियर बन जाओगे। डॉज है इस वक्त 14% अब, तो भाई अगर इनके कहने पे किसी ने डॉज बाय किया था 19 अप्रैल को, पिछले महीने का ट्वीट है, ठीक है, 19 अप्रैल को अगर बाय किया था तो 19 अप्रैल को रेट क्या था, जरा हम चेक करते हैं 19 अप्रैल को रेट क्या था। ये टिप आई थी और ये टिप बता रही है हमें डेट 23 तारीख, और ये कैंडल है 19 तारीख की। 19 तारीख को रेट था $1.20। अगर $1.20 पे इनके कहने पे किसी ने बाय किया,
एक महीने के बाद अगर $1.80 पे है, यानी कि 50% ग्रोथ हुई है, तो कितने लोग मिलेनियर बन गए भाई, मुझे ये बताओ। 10-15% कॉइन बड़ा नहीं फॉरन कवर करने आ गए कि यार देखो मैंने तो ये भी कहा था, बन गए। असल में डॉज का भंड बहुत बड़ा हो गया। मैं पहले ही बोल रहा था ये भंड है, ये क्या डॉज कॉइन पे लाइव ट्रांसमिशन, नया ट्रेंड लाऊंगा मैं पाकिस्तान में, ये करूंगा वो करूंगा। ओ भाई बस भाई क्या बोले। खैर एनीवे चलो थोड़ी सी इनकी बात कर ली, अभी इसी में मुझे जो है 5-10 मिनट लग गए यार, क्या मसला है, टाइम हमेशा जाया हो जाता है फजूल लोगों की फजूल गुफ्तगू में। एनीवे भाई चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई। देखो 2017 में मैंने 2016 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और मेरा पहला क्वाइन जो मैंने पहली दफा बाय किया था ना जिंदगी में, वो XRP था। और XRP का अगर मैं आपको किस्सा सुनाऊं, मुझे नहीं पता था कैसे बाय करते हैं, किस तरह बाय होगा, कैसे ट्रेड होगी, किस तरह मतलब लूम है, बस ऐसी कॉइन मार्केट कैप डाउनलोड कर ली थी ऐप, और मैं देख रहा था यार XRP जो है यार बहुत सस्ता है, 1 सेंट का है ये, मैं ले लेता हूँ और ₹1,00,000 इसमें मैं डाल देता हूँ, ₹1,00,000 के 1 लाख आ जाएंगे, मैं ले लेता हूँ। तो मैं XRP अपने पार्टनर के साथ, मेरा पार्टनर जो इस चैनल में भी आपको देखता है हसन, वो मेरे साथ था, और मैं उसके साथ बैठ के बैठा हुआ, मैंने कहा यार ये बाय करने जाना है किसी तरह, पता करो किससे बाय होगा। हमने 2-4 दोस्तों से पूछा भाई कैसे बाय होगा, तो पता चला पहले बिटकॉइन बाय करना पड़ेगा इसके लिए, फिर उस एक्सचेंज पे लंबा प्रोसेस है। हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं अभी, हमें बताओ किस तरह बाय करना है, अभी बाय करेंगे। तो हमने वो ₹1,00,000 लिए, हम लेके गए, बिलीव करेंगे वो डेट थी प्रॉबली मिड जुलाई था, 2017 का, नहीं, शायद 2016 का जो है, 2017 का जनवरी था, आई थिंक जनवरी फरवरी था, हाँ एग्जैक्टली जनवरी फरवरी था। और मैं जब जा रहा था तो मुझे 1 घंटा लगा क्लिफ्टन से नॉर्थ की तरफ आने में, और नॉर्थ में मुझे मिलना था उन साहब से। तो भाई वो पहुंचते पहुंचते 1 सेंट से 7 सेंट का हो गया सिर्फ उस रास्ते में, यानी कि मैंने ₹1,00,000 लेके निकला था, और अगर मुझे उस वक्त पता चल जाता किस तरह बाय करना है, ये नॉलेज होती मुझे, मैं खुद कर लेता, तो ₹7,00,000 तो मेरे सिर्फ सोचने से ही बन गए थे कि मैंने उस दिन सोचा था मैं XRP ले लूं। तो ये तो मेरी स्टार्टिंग थी ट्रेड की। एनीवे ये तो खैर ये एक्सपीरियंस ही है, वैसे ही एक चीज बता रहा हूँ। तो XRP ने मुझे इस तरीके से, फिर मुझे इस मार्केट ने अट्रैक्ट किया कि यार यहाँ तो बड़ा काम होता है, इस तरह एक एक दिन में 700-700% भी बढ़ सकता है। तो मैं अट्रैक्ट हुआ, फिर मैंने XRP बाय किया वापस जब 3 सेंट पे आया, फिर डॉज में भी मैंने की ट्रेडिंग उस वक्त, XVG में मैंने ट्रेडिंग की। एनीवे बताने का मकसद ये कि वो 2017 की जनवरी से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, और दिसंबर तक मैं ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट काफी काफी बेहतर हो गया था, काफी चीजें सीख गया था, बट एक एक्सचेंज की हद तक मेरी वाइड रिसर्च नहीं थी। रिसर्च जो थी वो एक महदूद एक्सचेंज के गिर्द घूम रही थी, और वो एक्सचेंज थी बिट्रेक्स। बिट्रेक्स पे मैं ट्रेडिंग करता था, और बिट्रेक्स के कॉइन पे ही मेरी तमाम नजर रहती थी। खैर एनीवे उस बुल रन में मैंने बहुत अच्छा कमाया, बहुत अच्छा कमाया दिसंबर में और जनवरी में जब आया 2017 का बुल रन। मैंने 1 साल में अपनी लाइफ चेंज कर दी। 2016 तक मैं जॉब करता था, और 2016 के बाद जब इसमें आया तो मैंने जॉब छोड़ी पहले, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा फंड बढ़ना शुरू हुआ प्रॉफिट की वजह से, तो फिर इसका बुल रन आ गया, और उस बुल रन ने मुझे इतना कमा के दिया कि मैंने आज तक फिर जॉब नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक स्किल है जो मेरे पास है, हमेशा साथ रहेगा। और फॉरेक्स में भी रिस्क उठाया, फॉरेक्स में भी लॉसेस किए हैं पिछले साल तकरीबन 2019 में और 20 में मैंने फॉरेक्स में काफी लॉस किए हैं। तो लॉस तो होते हैं, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। फाइनेंशियली हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, इनफैक्ट वो प्रॉफिट लॉस उसका पार्ट है। एनीवे उसके बाद हुआ क्या, 2017 के बुल रन के बाद जनवरी 2018 में भी बुल रन चल रहा था, मैंने अच्छा पैसा जमा कर लिया था, मैंने और हसन ने, हमने मतलब अच्छा फंड बना लिया था अपना प्रॉफिट से। हमने उस प्रॉफिट को अपने ऊपर तो खर्च किया, हमने ट्रिप किए, हम गए बाहर, हमने मुल्क से बाहर घूमा है थोड़ा बहुत, हर 3 महीने 4 महीने में हम एक ट्रिप करते थे, इसीलिए कि अपने ऊपर खर्चा करें, कुछ एक्सप्लोर करें, कुछ और आइडियाज आए। लेकिन हमने उस वक्त तमाम जमा पूंजी जो है वो एक अपकमिंग आईसीओ में लगा दी, एक नहीं 2-3 ICOs में लगा दी टोटल जमा पूंजी, सिर्फ और सिर्फ ग्रीड की वजह से कि ये आईसीओ हम अभी ले लेते हैं, अगर तो इस आईसीओ से हम डबल ट्रिपल पैसा बना सकते हैं विद इन 2-3 मंथ जैसे ही मार्केट में आएगा। तो उसकी बेसिस पे मैंने वो आईसीओ ले लिया। हमने दुबई जाके टीम से मिले उनकी, और हमने बाकायदा एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उनसे जाके डायरेक्टली की उनके साथ, और वो आईसीओ हमने बाय कर लिया, और वो आईसीओ लेके हमने यहाँ पे बेचना शुरू किया, और उस आईसीओ ने
हमें लॉस नुकसान दे दिया, क्योंकि वो आईसीओ कभी मार्केट में आया नहीं, और उसके मार्केट में ना आने की वजह से हम बिल्कुल जीरो हो गए, बिल्कुल जीरो। हमने जितना कुछ कमाया था इतने अरसे में, हम बिल्कुल जीरो हो गए। तो जीरो होने का रीजन क्या था कि हमें लगा कि यही क्रिप्टो ही एक दुनिया है और इस क्रिप्टो के अलावा कोई और दुनिया ही नहीं है। हमने एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं ली। एग्जिट स्ट्रेटेजी कल भी मैं आपको बता रहा था, बहुत जरूरी है। किसी भी काम में आप करते हैं एग्जिट लेना बहुत जरूरी। जब आपका प्रॉफिट बुक हो जाए तो जरूरी नहीं है प्रॉफिट लेते ही अब जो खुला पैसा बचा है कैपिटल उसको जरूरी है किसी और चीज में घुसेड़ना, जरूरी नहीं है। मार्केट का वेट करें, थोड़ा रिलैक्स करें। अगर आपने इस हफ्ते $1,000 लगा के $200 भी कमा लिए ना, तो $1,200 हो गए। उन 200 को निकालें, उस 200 से जो चाहे करें, आप खर्च करें, आप किसी चीज में लगाएं, आप कोई लॉन्ग टर्म का लें, लेकिन उस $1,000 को रख के बैठें। जरूरी नहीं है कि हम चलती हुई ट्रेन में कूदें और हमें फौरन दूसरी ट्रेड चाहिए ही चाहिए। वेट करें मार्केट का, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करें। आप अपना एक टारगेट बनाएं, ये मेरा टारगेट हो गया, अब मैं मार्केट नहीं देखूंगा, खुला पैसा रख के बैठूंगा, जब डिप आएगी तभी कोई चीज बाय करूंगा, ठीक है? तो मेन चीज एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। हमने क्या किया, हमने वो फंड सारा यहीं रखा बिट्रेक्स पे, बाइनेंस पे, और हम सोचते गए कि यार यहीं करते रहना। उसी दौरान बेरिश मार्केट आना शुरू हो गई, बुल रन खत्म हो गया। तो जो फंड हमारा अपना था, कुछ हमने वहां लगा दिया था, कुछ हमारे पास यहाँ था, वो सब खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता करते। यानी कि मैं 2017 में अगर मैंने बहुत कमाया तो 2018 के एंड में मैं बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल जीरो। फिर से जीरो से स्टार्ट करना था, लेकिन इस एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि कोई भी मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये बुल रन आज है कल नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत है मुझे भी इस बुल रन से कि अगले 3-4 महीने में बुल रन अभी चलता ही रहेगा 3-4 महीने, लेकिन बेरिश मार्केट होने में टाइम नहीं लगती। तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक किया कीजिए, जहां आपका दिल करे 10%, 20%, 50%, 100% आप बुक करें और निकलें। अब उस प्रॉफिट से आपको जो करना है करें, आप कहीं भी गैम्बलिंग करें, कुछ भी करें, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट है। लेकिन कैपिटल आपका हमेशा खुला होना चाहिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है मेरे भाई? हमें जो है वो फंड को इस्तेमाल करना है, हमें प्रॉफिट को यूज करना है, चाहे अपने ऊपर यूज करें, चाहे बैंक में डालें, चाहे हम खर्च कर दें, उड़ा दें, चाहे हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट में डाल दें, किसी भी चीज को सारी दुनिया बना के ना बैठ जाए। क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि क्रिप्टो, अभी भी मैं फुल टाइम क्रिप्टो कर रहा हूँ, ठीक है, फुल टाइम कर रहा हूँ, मेरी दुनिया अभी भी क्रिप्टो ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिप्टो से कुछ निकालूंगा, नहीं, मैंने निकालना है, मैंने प्रॉफिट को बाहर इस्तेमाल करना है, बुरे वक्त के लिए उठा के रखना है। ऐसा नहीं है कि आज 1,000 से मेरा 2,000 हो गया पोर्टफोलियो, तो मैं 2,000 अभी किसी और कॉइन में लगा के पूरे बैठ जाऊं, नहीं, मैं पहले उस 1,000 को अलग करता हूं और सोचता हूं उस 1,000 का मैंने करना क्या है। मैंने उस 1,000 से कुछ लॉन्ग टर्म लेने हैं, कुछ पैसे बैंक में डालने, कुछ खर्चे लगाने, ठीक है? तो जब तक एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं होगी तब तक आपने कुछ नहीं कमाया। जब तक आपका पैसा सारा एक्सचेंज में बढ़ रहा है वो प्रॉफिट नहीं है, वो वही पैसा है। जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, वो नंबर्स ही हैं जो एक्सचेंज में है। बैंक में आने के बाद या किसी और जगह इस्तेमाल होने के बाद वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस चीज को उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। इस एक्सपीरियंस से मैं थोड़ी और लंबी बहुत सारी चीजें बताना चाहता था, एक्सपीरियंस में अपने बहुत कुछ हुआ है उस दौरान, लेकिन ये वीडियो काफी लंबी हो गई। तो इनशाला टाइम बाय टाइम मैं बताता रहूंगा, और आप लोगों को इनशाला उम्मीद करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा। तो भाई एग्जिट स्ट्रेटेजी लाजिम है और प्रॉफिट बुक करना लाजिम है, कोई बात नहीं। देखें कहते हैं हमारी फील्ड में, बेच के पछताओ, रख के मत पछताओ। तो 20% प्रॉफिट ले लिया, बेच दो, निकल आओ बाहर। अब वो चाहे 100% भी चला जाए, कोई बात नहीं, किसी और कॉइन में जाना है, वो पछताना बेहतर है, ना कि इस बात पे कि 20% प्रॉफिट में था अभी वो 20% लॉस में आ गया। वो वाले पछतावे से बेहतर है 20% प्रॉफिट ले लो। मार्केट बहुत अभी जो है वो ऊपर नीचे कर रही है। बिटकॉइन का जो है वो क्या कहते हैं, कभी वो 57, 56, 1,000, $2,000 भी नीचे आता है, क्योंकि बिटकॉइन का ब्रेकआउट करीब है, तो जिसकी वजह से आल्ट बहुत जो है वो नाजुक सूरत हाल पे बैठे हैं। मतलब समझ रहे हैं, आल्ट में अभी फॉरन पैनिक सेल आना शुरू हो जाता है बिटकॉइन की मूवमेंट को देख के, पैनिक बाय पैनिक सेल। तो इसका फायदा उठाएं, क्विक बाय सेल कर लें, ठीक है? ये मैं जनरल टिप्स दे रहा हूँ, मेरे जो अपने क्लाइंट्स हैं पर्सनल, उनके साथ मैं उनको बताता रहता हूँ स्ट्रेटेजी, ये एक जनरल टिप्स है आप तमाम लोगों के लिए। चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में,
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कल लोगों ने पूछा था यार, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर जरूर कीजिएगा, तो मैंने आज किया। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।